जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज इस वीडियो में जानेंगे 2023 देवउठनी एकादशी का व्रत किस दिन किया जाएगा और साथ ही पारण का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, तुलसी विवाह करना किस दिन शुभ रहेगा, पूरी जानकारी इस वीडियो में जानेंगे। जैसे कि कार्तिक शुक्ल पक्ष की यह एकादशी देवउठान एकादशी, तुलसी एकादशी के रूप में जानी जाती है। 4 महीने की चिर निद्रा के बाद श्रीहरि विष्णु जागते हैं और इसी दिन से कोई भी शुभ कार्य, गृह प्रवेश, घर का नींव, वैवाहिक कार्य या संपूर्ण विधान नियम के साथ कार्य आरंभ होते हैं। यह दिन अपने आप में अद्भुत और विशेष जाना जाता है। इस दिन विशेष पूजा श्रीहरि विष्णु और माँ तुलसी की जाती है। सबसे पहले मान्यता है इस दिन श्रीहरि विष्णु जागकर माँ तुलसी से विवाह रचाते हैं। तुलसी विवाह करना सर्वप्रथम सर्व सुख प्रदान करने वाला और सबसे अधिक पुण्य फलों की प्राप्ति करने वाला होता है। आप सभी आवश्यक रूप से इस दिन व्रत धारण करें, श्रीहरि विष्णु की नियम से पूजा करें, माता तुलसी का विधि विधान से पूजन करें, अत्यधिक शुभ माना जाता है। अब जान लेते हैं 2023 में कब है देवउठान एकादशी। कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि शुरू हो रही है 22 नवंबर 2023 की रात 11:03 के आसपास। कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि समाप्त होगी 23 नवंबर 2023 को रात 9:01 में। इसके साथ ही पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह का हो रहा है 6:50 से 8:09 के आसपास। रात्रि का शुभ मुहूर्त हो रहा है 5:35 से 8:46 के आसपास। जैसा कि देवउठान एकादशी व्रत इस वर्ष 2023 में 23 नवंबर के दिन उदयतिथि के अनुसार, जो कि एकादशी व्रत को करने के नियम कहे गए हैं, उनके अनुसार 23 नवंबर के दिन करना सर्वश्रेष्ठ और सब सुख प्रदान करने में सहायक होगा। साथ ही एकादशी व्रत नियमबद्ध तरीके से करना जितना आवश्यक है, पारण करना भी उतना ही आवश्यक है। तो पारण का समय 23 नवंबर को व्रत करने के बाद 24 नवंबर को 6:51 से 8:47 के आसपास हो जाएगा। तो ऐसे में आप सभी इस शुभ मुहूर्त में अपने व्रत को खोलें अर्थात पारण करें, शुभ फलों की प्राप्ति होगी। आप सभी चीज़ें स्क्रीन पर भी देख पा रहे हैं। श्रीहरि विष्णु को विधि विधान से दूध से जो है स्नान कराएं, शंख में भरकर माँ तुलसी पत्र जो है उस दिन तोड़े नहीं जाते, एक दिन पहले ही तोड़कर श्रीहरि विष्णु को आप जो भी सात्विक चीज़ों का भोग लगा रहे हैं उन्हें जरूर से समर्पित करें। विधि विधान से पूरा दिन आप व्रत पूजन और प्रभु नाम मंत्र में अपना समय व्यतीत करें। एकादशी व्रत अपने आप में अमृत की बूंद और सब कार्यों की सिद्धि के लिए सहायक माना जाता है। साथ ही इस दिन आप सभी तुलसी विवाह जरूर से करें। कहा जाता है 1,00,000 अश्वमेध यज्ञों के बराबर फल प्राप्त होता है और कन्यादान का सर्व सुख अगर जोड़े से कन्यादान किया जाए, तुलसी माँ का विवाह शालिग्राम जी से या जो है श्रीहरि विष्णु या लड्डू गोपाल स्वरूप घर पर विराजमान है तो उनसे किया जाता है, बहुत सुख इससे प्राप्त होता है। विधि विधान से आप अगर तुलसी विवाह 2023 में करना चाहते हैं तो आप सभी देवउठान एकादशी के दिन, जैसे कि 23 नवंबर के दिन भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कई भक्तजन 23 नवंबर के दिन करेंगे परंतु ज़्यादा शुभ हो रहा है द्वादशी मिश्रित जो है एकादशी में करना। 24 नवंबर को तुलसी विवाह किया जाएगा, आप सभी नोट करते हुए चलिएगा। ज़्यादा शुभ तो 24 नवंबर 2023 को होगा। अगर आप सभी 23 को भी करना चाहते हैं तो उस दिन भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। साधारण सरल नियमों को जाने समझे कि एकादशी तिथि जिस दिन श्रीहरि विष्णु उठते हैं अपने शयन से और तुलसी माँ से विवाह रचाते हैं, तो आप 23 तारीख को भी कर सकते हैं एकादशी व्रत के दिन, चाहे तो द्वादशी मिश्रित एकादशी के दिन, कहने का अर्थ है 24 नवंबर को भी कर सकते हैं। दोनों दिन शुभ है, ज़्यादा शुभ 24 नवंबर को है, आपकी इच्छा है आप 23 को भी कर सकते हैं। तो दोनों दिन में आप सभी तुलसी विवाह कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप सभी सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में पीले लाल रंग के कपड़ों का चयन करें, गंगाजल अपने स्नान में सम्मिलित करें। साथ के साथ आप सभी जो श्रीहरि विष्णु हैं उनके आगे थोड़ा सा संकल्प लें, किसी भी चीज़ का व्रत का संकल्प लेना आवश्यक हो रहा है कि मैं तुलसी विवाह करने जा रही हूँ। तत्पश्चात आप सभी श्रीहरि विष्णु के विग्रह स्वरूप को पूर्ण रूप से श्रृंगार करें, उन्हें भी पीताम्बर रंग के वस्त्रों को धारण करवाएँ और साथ ही पीले लड्डू गोपाल स्वरूप को बहुत सुंदर पीले वस्त्र समर्पित करें, तुलसी माँ की माला
समर्पित करें, तुलसी की लकड़ी का दीपदान कर सकते हैं, तुलसी को घिसकर जो है आप हरी चंदन बनाकर उन्हें समर्पित कर सकते हैं। पूरे दिन अखंड दीप इत्यादि प्रज्वलित करते हुए दिन भर में फलाहार इत्यादि आप दूध पानी इत्यादि ले सकते हैं। शाम के समय जो शुभ मुहूर्त बताया या सुबह के समय शालिग्राम जी और माँ तुलसी का विधि विधान से विवाह रचाएं। सरल सी इसकी पूजा विधि होती है। धीरे धीरे चैनल पर तुलसी विवाह कैसे किया जाता है या आपको पिछले साल की वीडियो प्राप्त नहीं हुई है तो उसे देखकर तुलसी विवाह आप रच सकते हैं। यह एक प्रतीकात्मक रूप से तुलसी विवाह किया जाता है। शालिग्राम जी या श्री हरि विष्णु के विग्रह स्वरूप और माँ तुलसी को एक पाटे पर विराजमान करके विधि विधान से विवाह की सरल सी रस्म मंडप इत्यादि लगाकर की जाती हैं। इस तरह से यह सामान्य सरल सी पूजा विधि मैंने बताने का प्रयत्न किया। धीरे धीरे आपको और भी जानकारियाँ वीडियोज़ में चैनल के माध्यम से मिलेंगी। अभी के लिए इतना ही। जय श्री राधे।